टॉप 4 बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 रुपीज़। तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया पर। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने की सोच रहे हो और ढूंढ रहे हो 30,000 के बजट में एक बढ़िया सा सैमसंग का स्मार्टफोन जिसमें आपको पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाए, एक अच्छा खासा कैमरा देखने को मिल जाए और बाकी स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी तगड़ी देखने को मिल जाए, इसके अलावा आपको एक यूनिक डिज़ाइन देखने को मिल जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज आज के इस वीडियो हमने आप ही लोगों के लिए टॉप 4 स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट करा है जिनमें आपको बहुत ही अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं और ये इस बजट में आने वाले सैमसंग की तरफ से बेस्ट स्मार्टफोन्स में से हैं। सो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए ताकि आपको भी फ्यूचर की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के फर्स्ट स्मार्टफोन के बारे में तो वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो इसकी प्राइसिंग आपको कभी 40,000 रुपीज़ देखने को मिलेगी, कभी 35,000 रुपीज़, तो कभी 33,000 रुपीज़। बट अगर आप इसे ऑफलाइन मार्केट में लेने जाएंगे तो ये आपको 31,000 रुपीज़ के बजट में आराम से देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे ऑफलाइन खरीद सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ही खरीदना है तो आप सेल का इंतज़ार कर सकते हैं, आपको यह स्मार्टफोन सेल के दौरान अंडर 30,000 भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो ये इस बजट में आने वाला वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है परफॉर्मेंस के तौर पर सैमसंग एक्जिनोस 2100 का चिपसेट जो कि 2.9 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 8GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 128GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 15W का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड IP68 की रेटिंग आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी तगड़ी देखने को मिल जाती है, बिकॉज आपको यहाँ पे 6.4 इंचेस का एक डायनेमिक AMOLED 2X स्क्रीन देखने को मिलती है जो कि 1080x2340 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 411 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। इसके साथ साथ आपको स्मूथ एक्सपीरियंस फील कराने के लिए यहाँ पे 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर बात कर लें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की तो वो काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाते हैं और ये इस स्मार्टफोन का सबसे बढ़िया स्पेसिफिकेशन है, बिकॉज यहाँ पे आपको 12 MP प्लस 12 MP प्लस 8 MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप इस कैमरा सेटअप के साथ अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आप यहां से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में अल्ट्रा HD में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए तो 32 MP का आपको एक सामने की तरफ सेंसर देखने को मिल जाता है और आप सामने की तरफ से भी इसी क्वालिटी में अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो रहे हमारे लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों, सेकंड नंबर वाला जो स्मार्टफोन है वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F54 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 29,000-30,000 रुपीज़ के बजट में। वहीं भी अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है परफॉर्मेंस के तौर पर सैमसंग एक्जिनोस 1380 का चिपसेट जो कि 2.4 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 8GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 256GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाएगी। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको 6000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 25W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और सैमसंग के स्मार्टफोन लेने से पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपको इन स्मार्टफोन्स में कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलता है, सो आपको एडाप्टर अलग से खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस का एक सुपर AMOLED प्लस स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो कि 1080x2408 पिक्सल्स की है एंड यहाँ पे भी आपको स्मूथ एक्सपीरियंस फील कराने के लिए 120Hz का ही रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो जब भी आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करोगे या कुछ भी स्क्रॉल करोगे तब आपको यहाँ पे काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा। उसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की तो यहाँ पर आपको 108 MP के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आप यहाँ से मैक्सिमम 1080p में फुल HD में अपनी वीडियोस को ईजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए तो 32 MP का आपको एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है और आप सेम क्वालिटी में सामने की तरफ से भी अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये तो रहे हमारे लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। आप बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ।
तो दोस्तों थर्ड नंबर वाला जो स्मार्टफोन है वो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी A34 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्राइसिंग की तो ये स्मार्टफोन भी आपको 27-28 हज़ार के बजट में आराम से देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर देखने को मिल जाता है MediaTek Dimensity 1080 का चिपसेट जो कि 2.6 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 6GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 128GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर आपको 5000mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। इसके अलावा अगर बात कर लें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि है 6.6 इंचेस की काफ़ी बड़ी सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल। सो जब भी आप इस स्मार्टफोन में कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे तो वह आपको यहाँ पे सुपर एमोलेड देखने को मिलती है। सो आपको यहाँ पे कंटेंट कंजम्पशन का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे भी आपको स्मूथ एक्सपीरियंस फील कराने के लिए 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो जब भी आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करोगे या कुछ भी स्क्रॉल करोगे तब आपको यहाँ पे काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की तो यहाँ पर भी आपको ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर प्लस 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और प्लस 5 मेगापिक्सल का एक थर्ड आपको यहाँ पे सेंसर देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप इस कैमरा सेटअप के साथ वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आप यहाँ से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30fps पर Ultra HD में अपने वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करिए तो 13 मेगापिक्सल का आपको एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिलता है और आप Full HD में सामने की तरफ से भी अपनी वीडियो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारे लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन में। तो वहीं अगर बात करें हमारी लिस्ट के फोर्थ एंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में तो वो आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A53 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो ये स्मार्टफोन भी आपको 30-31 हज़ार के बजट में आराम से देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो ये स्मार्टफोन भी बढ़िया लाजवाब स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है बिकॉज आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के तौर पर मिल जाता है सैमसंग एक्जिनोस 1280 का चिपसेट जो कि 2.4 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको यहाँ पे 6GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 128GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पर भी आपको सेम 5000mAh की ही बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि सेम 25 वाट के ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। वहीं पे अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। जैसे पिछले स्मार्टफोन्स में आपको डिस्प्ले देखने को मिल रही थी सेम डिस्प्ले आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाती है जो कि 6.5 इंचेस की एक सुपर एमोलेड पैनल जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की है। और यहाँ पर भी आपको स्मूथ एक्सपीरियंस फील करने के लिए 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। सो यहाँ पे आपका जो स्मार्टफोन रहेगा वो स्क्रैचेस से प्रोटेक्टेड रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की तो यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल के साथ क्वाड रियर कैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे तो आप यहाँ से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में 30fps पर अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का आपको एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है और आप सेम क्वालिटी में सामने की तरफ से भी अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये रहे टॉप 4 सैमसंग स्मार्टफोन्स जो आपको काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ देखने को मिल जाते हैं 30,000 रुपीज़ के बजट में। सो अगर आपको 30,000 के बजट में कोई सा भी एक सैमसंग का बढ़िया सा स्मार्टफोन खरीदना है तो आप इनमें से किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। ये सारे स्मार्टफोन बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे।